भाव अनुकूल साधन, भाव विरुद्ध साधन और भाव अविरुद्ध साधन, ये पांच बताया दिखा गया है। नित्य सिद्ध ब्रजवास जन इनके साधन नहीं है, ये तो सब सिद्ध है, तथापि लोक रीति के अनुसार जगत को दिखा रहे हैं लीला आदि करने के लिए है। लोकवत्त लीला कई बलम है, ये सब विधान आदि दिखा रहे हैं। चातुर्मास आदि पालन, कुछ कुछ जो बाबा जी संप्रदाय लोग जो है चातुर्मास पालन नहीं करते हैं, बोले चातुर्मास पालन आदि वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है, तो हम वर्णाश्रम धर्म से आगे नहीं चले तो रागानुगा भजन में हम प्रवेश कर नहीं पाएंगे है। केवल विधि के लेकर के चले वैकुंठ में चले जाएंगे, इसलिए ये बाबा जी संप्रदाय कुछ लोग ऐसे युक्ति दिखाते हैं है? ये लोग चातुर्मास आदि पालन नहीं करते। कुछ संप्रदाय के लोग और भी आगे ऊपर चले जाते हैं, बोले देखो हम एकादशी भी पालन नहीं करेंगे है, हम तो ऊपर में चले जाते। किंतु जब तक तो साधक रहत, साधक शरीर में रहता है, साधक शरीर में रह करके भी आपको नियम को जो है पालन करना पड़ेगा है। इसलिए शास्त्र में लिखा है श्रुति स्मृति क्या श्लोक है, श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विधि बिना एकांति की हरेर भक्ति उत्पाद की केवलम। ये समस्त विधि के यदि पालन नहीं करे और अपने के सिद्ध अवस्था माने तो वो उत्पाद के कारण हो जाता है। कहाँ नित्य सिद्ध लोग हैं, तथापि लोकवत्तु लीला केवलम मनुष्य के भांति करते रहते हैं, ये उनके दीनता है। स्वयं भगवान अपनी लीला को जगत में प्रकट कराते हैं है? अनुग्रह भक्तानां मानुष धेमाश्रित भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्पर भवेत है लोकवत्तु लीला केवलम। इसलिए कौन सा नियम के पालन करना है, कौन सा नियम के पालन नहीं करना है और कैसे अनुगत हो, यहाँ पर जो शब्द दे रहे हैं परिनिष्ठ जन के एक विशेष कार्य उच्च आदि क्रिया को अनुगत विधि निषेध के अनुसार कार्य करते हैं। ये दोनों प्रकार साधक ग्रस्त होने ग्रस्त होते हैं। निरपेक्ष साधक के बारे में क्या करें, गृहत्यागी होते हैं, निष्कपट होने भी वो तीनों प्रकार के साधक के कल्याण होता है। जो गृहत्यागी जो होते हैं संत महात्मा होते हैं गृहत्यागी, उसे संसारी कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, निरपेक्ष ना हुई ले धर्म रक्षण न जाए, निरपेक्ष होना पड़ता है। कभी कभी महाप्रभु शिकार कर लेते थे उनकी और कभी कभी महाप्रभु रूठ जाते थे है? नहीं लेते, शिक्षा क्या दे रहे। त्यागी सन्यासी जो है निरपेक्ष है, इसलिए कह रहे हैं निरपेक्ष साधक गृह त्यागी होते हैं, किंतु उसे निष्कपट होने पर भी तीनों प्रकार के साधु के कल्याण होता है, अन्यथा कपटता आश्रय करने से ही तीनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। इनकी कपटता का परिचय नीचे दिए जा रहे हैं। सनिष्ठ साधु की कपटता क्या है, छल क्या है, कपटता क्या है। भक्ति साधन का बहाना बनाकर इंद्र सुख साधन में ही तत्पर रहना है। निष्कपट भक्त की सेवा करने के बदल में धनवान और प्रभावशाली विषय लोगों के सेवा करना, आवश्यकता से अधिक अर्थादि संग्रह में व्यस्त रहना, निरर्थक और अनित्य धंधे में आग्रह रखना, विद्या अनुशीलन के बहाने से कुतर्क करना है। ज़्यादा विद्या अध्ययन कर ले तो कुतर्क करते रहता है। निरपेक्ष विरक्त साधु के वेश बनाकर, यहाँ पर गए, निरपेक्ष विरक्त साधु का वेश धारण कर जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील होना है। परिनिष्ठ साधु की कपटता क्या है, बाहर से परिनिष्ठ होने के ढोंग करना, अर्थात अंदर ही अंदर कृष्ण इतर विषय में आसक्ति रहना, अनन्य प्रेमी भक्त के संग की अपेक्षा सत्कर्मी ज्ञानी योगी विषय आदि के संग में
अधिक आग्रह रहना है, ये सब सब लोग करते रहते हैं। निरपेक्ष साधक की कपटता क्या है? ये सन्यासी के लिए होता है ज्यादातर। निरपेक्ष सन्यासी साधक की कपटता क्या है? अनेक श्रेष्ठ वैष्णव, अपने को श्रेष्ठ वैष्णव समझने का दंभ रखना है। इसलिए भक्तिवान ठाकुर कहे आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले अमानी ना हबो आमी, है आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले अमानी ना हब आमी, आर प्रतिष्ठा आसिया हृदय दूषिबे होइब निरय गामी। ये भक्तिवान ठाकुर कीर्तन है ना, कितने सुंदर सुंदर कीर्तन दिया हम लोग भक्तिवान ठाकुर। आमी तो वैष्णव, मैं वैष्णव हो गया है, निज श्रेष्ठ जानी है उच्चिष्ट जाने, मैं बड़ा वैष्णव, मेरा उच्च सब लोग है, मैं इनको माना करता हूँ, मूर्ख है सब है, देना नहीं चाहिए। गुरुदेव कोई कोई विरक्त कहते देख किसी प्रसन्न रात दो यहाँ पर, जिसको इच्छा है वो ले जाए है, और नहीं तो कुछ करते ब्रह्मचारी थाली लेकर के चलो जो वैष्णव के दे रहे हैं हमारे लिए, हम अपने लिए कर रहा हूँ, हाँ थाली लेकर के सबके पास जाते हैं, ये उचित नहीं। राख दो जिसको श्रद्धा ले लेगा, ले नहीं लेगा चिट्टिया खा जाए, पक्षी को खिला दो है, नहीं तो ये लेकर थाली लेकर के क्योंकि भगवान के महाप्रसाद है सबके देते जा रहे हैं, ऐसे उचित नहीं है। मैं अपने लिए करूँ, दूसरी वैष्णव बात दूसरे के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ है, ये विचार रहना चाहिए। इसलिए कहते ना निज श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ट दाने वही बनी रह गाम है, इसलिए इस विचार को हमें रखना चाहिए है। इसलिए यहाँ पर करें देखो अपने श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव समझने का दम्भ रखना, वैराग्य वेश धारण कर का धारण कर अहंकार बस दूसरे साधक को तुच्छ समझना है, सोचते ये क्या जानते हैं, सब मूर्ख बैठे हुए, मैं अकेला पंडित हूँ है, किंतु ये मूर्ख है, है? ये समझते कहते जा रहे हैं। देखो कितने बड़े बड़े संत जो नाम भजन करते हैं, संस्कृत नहीं जानते किंतु भगवान की कितने है समय। इसलिए तो कह रहे हैं प्रभुपाद के एक शिष्य था, वो प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के कहने लगे प्रभुपाद मैं भागवत पढ़ना चाहता हूँ, भागवत सीखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो सीखने के लिए है? बोले संस्कृत के होता है ना, क्या डिग्री होता है, आचार्य होता है, आचार्य डिग्री होता है ना है। बोले मैं आचार्य देव के पास जा रहा हूँ है, जो संस्कृत के बड़े विद्वान पंडित है, है? प्रभुपाद बोले नहीं है, वो आचार्य देव के पास मत जाओ, देखो देखो वो बगीचा में जाओ है, जो बगीचा में कृष्ण के बगीचा जो है ना है, उसमें जो काम कर रहे हैं वो बाबा जी महाराज उसके पास जाओ। बोले वो तो संस्कृत नहीं, वही भागवत है, उसके पास जाग रहे तुम क्या करो, भागवत सुनो, भागवत सीखो, लेकिन उनके जीवन ही भागवत जीवन है। और ये जो आचार्य देव जो कह रहे हो संस्कृत पढ़ के बहुत विद्वान पंडित है, ये तो दम्भ अहंकारी है, ये भागवत के भाव नहीं जान, भाव नहीं जानते हैं। भक्ति संत प्रभुपाद के उपदेश में ये लिखा गया है। तो तात्पर्य क्या है, जो सदा सर्वदा भगवत नाम करते हैं, बोले वैष्णव दास है, वो बगीचा में जो काम करते हैं उसके नाम क्या है, वैष्णव दास। बोले जाओ वैष्णव दास के पास जाकर के तुम भागवत पढ़ो। इसलिए कहते हैं जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चल, जो भगवत सेवा में लगे रहते हैं उनके जीवन ही भागवत जीवन है, है? इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं जो वैष्णव वेश धारण कर अहंकार वशतः दूसरे साधु के तुच्छ समझता है, है? मैं महापंडित हूँ विद्वान हूँ और ये सब मूर्ख हमारे पास है, है? जीवन निर्वाहोपयोगी भोजन
और वस्त्र के अतिरिक्त अर्थादि संग्रह में प्रयत्नशील रहना। साधक साधन बन से ज्योतिष व श्रीसंग आदि करना, हरि मंदिर को छोड़कर धन आदि के लालसा से विषय लोग के समीप उठना बैठना, ये समस्त क्या कपटता का कार्य है। भजन के बहाने से अर्थ संग्रह में उद्विग्न रहना, वैराग्य वेश के प्रति सम्मान देने तथा विधि पालन के प्रति अधिक आग्रह द्वारा कृष्ण रति को छीन करना आदि निरपेक्ष साधक के कपटता है। अतः भजन राज्य में कपटता के कपटता से उत्पन्न कुतर्क कुसिद्धांत और अनर्थ आदि के तुलना के गधे के मूत्र के भांति अत्यंत जलनशील है। बहुत से साधक इस कपटता को गधे के अपवित्र मूत्र में स्नान करके भी अपने को पवित्र मानते हैं। वस्तुतः यह मूत्र आत्मा का दहन करने वाली है, इसलिए कहते हैं ये मन तुम क्या करो है, सदा सर्वदा गंधर्व गिरिधर पद प्रेम विलास सुधा समुद्र में स्नान करो है। गंधर्वा, गंधर्वा किसको कहा जाता है? गंधर्व लोग होते हैं ना, जो लोग नित्य गीत कला में अति व निपुण होते हैं उसे गंधर्व लोग कहा जाता है। ये नित्य गीत आज गीत आदि जो है ये सब उत्सव कहाँ पर है, कहाँ से निकले? स्वयं राधा जी से, इसलिए राधा जी के एक नाम है क्या, गंधर्विका है। इसलिए प्रभुपाद ने जो शिव विग्रह प्रकाश किया क्या नाम लिखा है, श्री राधा गंधर्विका लिखा है। हाँ, प्रभुपाद के प्रतिष्ठित विग्रह है वो है। इसलिए कह रहे गंधर्व भगवत स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका है, गिरिधर सर्वशक्तिमान परम पुरुष वैनंदन श्री कृष्ण, इन जुगल किशोर के चरण कमल विषयक प्रेम जनित विशुद्ध चीत विलास रूपी सुधा समुद्र में अवगाहन करो अर्थात स्नान करो, सदा सर्वदा राधा गिरिधारी की ही चिंतन करो है। आसन ये कहते जा रहे अर्थात श्रीमती राधा, राधा और कृष्ण ही हमारे उपास्य देव है, ये भावना रखना चाहिए है। समय हो गया, सात बज गया, चलो है? थोड़ा सा बारिश पड़ गया तो श्रोता कम आ गया है? चलो कोई बात नहीं, वो श्लोक है निज गणे गांधर्वी के निज गणे घनाना विदेही, वो कौन सा श्लोक है यहाँ पर लिखा है ना है। हे वृंदावनेश्वरी, हे श्री राधिके, आप तप हे स्वर्ण के भांति गौरांगी है, आपके नेत्र मृग की चंचल एवं विस्तृत नयन के समान परम मनोहर है, आपका मुखमंडल करोड़ चंद्रमा की भी पराभूत कर रहा है, आप नवीन मेघ जैसे नीलांबर से सुशोभित हो रहे हैं, आप ही ब्रज गोपियों की शिरभूषण मल्लिका कुसुम स्वरूप है, सुदिव्य रत्नादि अलंकार से आपका श्रीअंग सुशोभित हो रहा है, परम रसिक एवं सुचतुर गोपियों के आप ही सर्वश्रेष्ठ है, अशेष गुण गौरव से सुशोभित है, आप परम प्रियतमा अश्वसुखी के परिवेष्टित है, सदा सर्वदा राधा जी की उसी प्रकार चिंतन करो जैसे हमारे भक्ति मंडल ने जमुना पुरी ने कदम्ब कान ने की हे रीनु सखियाज, ओ जमुना पुरी ने कदम्ब कान ने की हे रीनु सखियाज, अरे श्याम वंशी धारी मणिमंच परी करे लीला रसराज, अष्टदल परी श्री राधा श्री हरि अष्ट सखी परिजन। भक्तिमनोहर ठाकुर
ऐसे सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, भाव को दर्शन करा रहे। जमुना पुल ने कदम व कानानी कि देख नहीं सके आज है जमुना के तट पर ऐसे सुंदर राधा गोविंद और समस्त सखियों के द्वारा परिवेष्टित होकर कैसे लीला हो रहे हैं। लिखा जमुना पुल ने कदम व कानने की देख के हेरु नहीं सखी आज अष्ट दल परी श्रीराधा श्रीहरी अष्ट सखी परिजन है। सुंदर कमल खिले हुए, उस कमल के मूल जो कमल है उस कमल में जुगल सरकार राधा गोविंद विराजमान हैं और आठों दिशा पर अष्ट सखियाँ हैं, अष्ट पद्म पर विराजमान है और उसके आगे और भी सखियाँ जो है कैसे सुंदर विराजमान होती जाती है। इसलिए अष्ट दल परी श्रीराधा श्रीहरी अष्ट सखी परिजन सुगीत नर्तने सब सखी जने तुषिचे जुगल धने। भक्तिवान ठाकुर कितने सुंदर भाव को वर्णन करते जा रहे हैं। अपरागित चित जगत में सभी जो है एक एक अपने अपने लीलाओं के जब भावों के प्रकाश करते हैं है? राधा गोविंद बीच में रहते और एक एक सखियाँ ललिता विशाखा आदि ये समस्त एक एक सखियाँ जो है अपने अपने वाद्य यंत्र आदि लेकर के ये सब लीला परिवेष्टित करते हैं है? इस समस्त वर्णन है शास्त्र में वर्णन दिया गया कितने सुंदर वो मनोरम स्थान होता है। फिर अंत में श्रीमती राधिका भी परिवेशन करते हैं है? राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में कितने सुंदर वर्णन है। वो ग्रंथ के पढ़ते हुए छोड़ने की इच्छा नहीं करेगा, ग्रंथ तो छोटा है किंतु देखो उस ग्रंथ की यदि पढ़ो आपके जब तक समाप्त नहीं हो जाए आपके छोड़े ये ग्रंथ नहीं छोड़ेंगे। पूरा ये समस्त सुंदर वर्ण भरा हुआ है सब है। क्या ग्रंथ का नाम बताया? राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण, छोटा ग्रंथ है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 पेज होगा शायद है। राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण केवल राधा गोविंद की इतने सुंदर लीला आदि वर्णन, केवल रास लीला के श्रृंगार रस के ही वर्णन है। हाँ ये सब वैष्णव के ग्रंथ सभी है। राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण एक है, ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण और एक है जिसको बता रहा हूँ क्या राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण इतने सुंदर जय केवल ये समझते जय श्रृंगार रस की वर्णन है और इतने सुंदर कवित्व लालित्य भाषा के द्वारा वर्णन होते जा रहा हृदय द्रवीभूत हो जाए। हाँ अरे 18 पुराण तो कह दिया, 18 पुराण में जो है 6 करके 3 है, सात्विक पुराण राजसिक पुराण और तामसिक पुराण है। इसके अलावा तो और भी पुराण है ना है, कितने पुराण है? तो व्यासदेव ने कृष्ण ग्रंथ लिखा है। चलो हम इसलिए कह रहे हैं जी उस ग्रंथ में इतने श्रृंगार रस की कथा, इतने सुंदर वर्णन है बड़े बड़े देवता लोग भी है और उस लीलाओं को दर्शन करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं है। आज जहाँ पर ऐसे संगीत चलते रहता है, रास में विशेष तात्पर्य क्या है? नित्य गीतम है, नित्य गीत के उसके जो है मुख्य रहता है जैसे नित्य गीत और एक नहीं जो तर्जिक कहा जाता है ना, तर्जिक शब्द के अर्थ होता है तीन प्रकार, नित्य गीत और वाद्य है। नित्य नृत्य कला कौशल दिखाते रहते सब है, नृत्य की कैसे कला होते रहते हैं। जैसे एक बार श्रीमती राधिका अंत में उसी ग्रंथ में लिखा है राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण की कथा है, तो एक समय ऐसे समस्त सखियाँ अपने अपने कला नृत्य आदि दिखा दिया, तो अंतिम में कृष्ण भी अपने कला भी दिखा दिया है और अंत में राधा जी अपने नृत्य की प्रदर्शन कर रहे हैं है। तो राधा जी नृत्य करते करते राधा जी की क्या हो गया, उसके कमर के जो है मेखला जो है करधनी होता है ना ऊपर की वो लगाते हैं, वो क्या हो गया, वो गिर गया, खुल गया,
खुल जाने के साथ ही साथ नीचे गिर गए। तो उस समय ललिता जी ने कह कि उसे रति मंदिर के इंगित कर दिया, और रति मंदिर उनके क्या नृत्य में ऐसे कला होता है, उस कला में जाकर के रति मंदिर भी राधा जी की जो है वो मेखला पहना दी। किंतु इसमें कोई और दूसरी सखी ने देख लिया है तो देख करके हंसी आदि करने लगी। तो राधा जी समझ गई जी ये ठीक नहीं है। तो नित्य कला जब समाप्त हो गया तो राधा जी रति मंजरी के बोले तुम हमारे कुंज से बाहर चले जाओ। बोले क्यों? जे आज तुम बोले राधा जी के साथ मिलाया। अनेक लीला है उसमें, अनेक लीला यहाँ तक भी कभी कभी जो है राधा जी के पायल के पायल जो है वो कभी खिसक जाते हैं, बा कभी कभी ऐसे से होता है कुछ श्रृंगार जो है कम हो जाता है। तो उसके लिए अनेक प्रकार मान अभिमान चलते रहते हैं, अनेक लीला है उसमें, सब लीला ही उसमें भरा हुआ है। उस ग्रंथ के पढ़ो हजारों लीलाएं हैं, एक नहीं है, है? इसलिए लीला स्मरण जो कहा जाता है, लीला स्मरण कहाँ से है सब? ये समस्त ग्रंथ आदि जिससे हमारे नौतम दास ठाकुर कहते हैं ये रागानुगा भजन की मूल क्या है, स्मरणे पथ रागेर पथ स्मरणेर पथ। कहते हैं रागानुगा भजन व भक्ति की मूल क्या है ना, लीला स्मरणम है। चलो बल्भाचार्य लिखते हैं लीला स्मरण ग्रंथ अध्ययन लीला स्मरणम, जो ग्रंथ अध्ययन करना इसको भी कहा जाता है लीला स्मरणम है। क्योंकि रागानुगा भजन की मूल तत्पर जो क्या है, भगवत लीला आदि स्मरण अधिक है। इसलिए उपासना दो प्रकार की उपासना कहा गया, एक है क्या मंत्रमयी उपासना और दूसरी है सारसिक उपासना। मंत्रमयी उपासना उसमें आ जाता है अनेकों लीलाओं को एक एक करके जो गुथित किया जाता है, संयोजित कराया जाता है, उसके कहा जाता है मंत्रमयी उपासना। जैसे साधारण रूप आप गोपाल मंत्र जप करते हो, इसमें मंत्रमयी उपासना में आ जाता है। दीक्षा मंत्र आदि जो जप करना इसमें किस में आ जाता है, मंत्र में उपासना आ जाता है। जैसे रागानुगा भजन में काल कहा था ना भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन है, ये समस्त भाव के संबंधी, भाव संबंधी और भाव अनुकूल में आ जाता है सब है। रागानुगा भजन पद्धति में ये सब आ जाता है सब है, भाव संबंधी अपने भाव के अनुकूल है, वो समस्त लीला आदि स्मरण होते रहते हैं। इसलिए साधक प्रथम पहले क्या रहता है उसके साधन करते हैं, और उसको क्या होता है साध्य रूप में प्रतीत होता है। काल कह रहे थे ना भजन रस में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर इसी कह रहे हैं, पहले साधन के रूप में दिखाई पड़ता है और वही साधन परिपक्व होने पर उसके क्या होता है साध्य के रूप में होता है। इसलिए नाम भी उसी प्रकार है, नाम पहले क्या होता है साधन होता है, और नाम परिपक्व होकर शुद्ध नाम होकर वो क्या होता है साध्य हो जाता है। इसलिए नाम साधन भी है और साध्य भी है, और वही अनुभव करके है लिखा गया। इसलिए भक्त हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप, इसके बाद क्या है जसोदा नंदन है आनंद वर्धन, उसमें कह रहे हैं नाम करते करते नाम प्रभु अपने स्वयं ही प्रकाश करेंगे। हरि नाम करते करते रो रो करके नाम जब करोगे नाम प्रभु वही बोले वो लीला संग स्मरण हो जाए है। तो नाम रूप चरित्र आदि सुकृत नानुस्मृत हो क्रमेण मनसान निज जो तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालंग नये अखिल वित्तोपदेश सारम, यही नाम प्रभु संगी साधक के हृदय में वो प्रकाश कर देंगे है। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी, ये नाम स्वयं प्रभु है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। वो स्वयं नाम करते करते परिपक्व दशा में है, भजन की परिपक्व दशा में साधक के हृदय में वो अपने आप प्रकाश करते, उसे कहा जाता है स्फूर्ति प्राप्त कहा जाता है है। इसे करें भ्रमिते भ्रमिते कभू भाग्य फले देखिनु
भ्रमित भ्रमित कहुब भाग्य फले देखी किचु तरु मूले हा मनोहर कि देखुन बोलिया मूर्छित हो भक्ति ठाकुर सब कीर्तन करते हैं। इस प्रकार ब्रज में व नवद्वीप धाम में भ्रमण करते करते प्रभु के ऐसे सुंदर गुण गाथा स्मरण करते करते हैं ओहो प्रभु की कृपा से वो स्वयं लीला को स्फूर्ति करा देंगे हैं। ये कहते हाँ मनोहर कि देखो नामी बोली अमूर्छित हो हैं। महाप्रभु लीला में ये दिखाती जा रही चैतन्य महाप्रभु नाम कर रहे थे आरती करो चैतन्य महाप्रभु हरि नाम कर रहे थे गया से लौटने के बाद महाप्रभु हरि नाम कर रहे दिव्य उम्मा दशा भी आ गए महाप्रभु हैं गया हुई थे आसे या निमाई चलाई विपरीत पहले निमाई क्या था निमाई पंडित था और अभी आ गया भावुक निमाई हो गया इसलिए कह रहे हैं चैतन्य भागवत में कहते हैं गया हुई थे आसे या निमाई चलाई विपरीत मैंने उल्टा कर रहे हैं पहले तो विषय पंडित को उद्धत दिखाया है बड़े पंडित को पछाड़ दिया अरे गया से आकर के बस भावुक निमाई हो गया। उस समय चैतन्य महाप्रभु क्या करे नाम करते करते बस है इसलिए कह रहे हैं साक्षात जो है कृष्ण के दर्शन होने लगे तो ये समस्त वर्णन होता है नाम प्रभु स्वयं ही प्रकाश करेंगे जितने हरिनाम करते रहोगे और वही नाम प्रभु अपने के स्वरूप इसलिए भक्तिमान ठाकुर जी कीर्तन कर रहे हैं है हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप ये हरि नाम आपके अनेक स्वरूप है भगवान के एक होते हुए भी अनंत रूप माधुरी प्रकाश आदि करते रहते हैं तो इसी प्रकार भी इस ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं है? बहुत सुंदर ये सब कथा है ये गांधर्व का गिरिधारी पद है ये किस प्रकार स्वयं राधा जी हैं ये कृष्ण के किसी प्रकार प्रेम प्रदान करते हैं आनंद प्रदान विहार आदि करते रहते हैं इसलिए प्रेम विलास रूप सुधा समुद्र में शिला रूप के समीपात यहीं पर वर्णन करते जा रहे हैं हे श्रीमती राधिके आप अत्यंत व्याकुल हृदय से जमुना तट पर भूमि पर लौटता हुआ आपको प्रणाम पूर्वक कातर वचन से यह पर प्रार्थना करता हूँ हे कि मैं अपराधी दुष्टमती और आप इस प्रकार से अयोग्य होने पर भी मुझे आप अपना किंचित मात्र दासत्व प्रदान करके कृतार्थ करें दासास आशास क्या श्लोक है आशास दास विषभानुजाया तत्कली कुंजे है इसमें वर्णन प्रबोधानंद सरस्वती पाद वर्णन करें हे श्रीमती राधिके जब अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिलन के लिए जब आप अभिसार करोगे तब आपके चित्त बहुत प्रसन्न रहेगा उसी समय उस रास्ते में विथि माने उस रास्ते में जाकर के मैं क्या सत्याग्रह कर दूंगी माने लौट जाऊंगी जब तक आप मुझे वर नहीं दोगे तब तक मैं आपको रास्ता नहीं दूंगी या आप मुझे अपने सेविका रूप में स्वीकार कर लीजिए आशास्वदास्य विषभानुजाया तत्कली कुंजी आपके कुंज कुंज की सेवा हमें प्रदान करें ये समस्त भावना देते हैं वंशाग्र कृपा सिंधु वच पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।